देखिए जी, क्वेश्चन लिख दिया हूँ पहले। ये कुछ बच्चों का जो क्वेश्चन आया हुआ है कि ए सर्किल इट्स एट क्वाड्रेंट आपका 4-4 दे रखा है। इफ वन ऑफ इन ए डायमीटर इज 4-0 द क्वाड्रेंट ऑफ इन, दैट मीन्स आप सपोज कीजिए एक सर्किल दे रखा है। वह सर्किल का जो मेन रिजल्ट यानी सेंटर जो केंद्र होता है, सेंटर पर आपकी वैल्यूएशन दे रखा है आपका ये 4-4 दे रखा है। डेट मीन्स एक सर्किल खींचे जो सेंटर उसका 4-4 दे रखा है, उनमें से चाहे लेफ्ट की ओर चाहे राइट की ओर चाहे अप की चाहे डाउन की ओर कहीं भी जो है एक क्वाड्रेंट दे रखा है आपका 4-0, तो दूसरे की ओर की पूछ रहा है, दूसरे ओर की जो हिस्सा वो पूछ रहा है। तो एक बार देखिए फिर से ऐसे समझिए, आपने एक सर्किल बनाया, सर्किल बना के जो है डायमीटर खींचा, यहाँ पे जो आपका सेंटर है, सेंटर यही आपको क्वार होता है जिसकी वैल्यूएशन दे रखा है पर आपका 4-4। देखिए ये सर्किल इट्स एट 4-4 यानी 4-4 हो गया। अब इधर का सपोज कर लीजिए यहाँ तक का जो ये एक इंड था जिसकी वैल्यूएशन दे रखा है आपका 4-0, तो सेकेंड वाला हम क्या करें, सेकेंड वाला पूछ रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकेंड इंड, तो यहाँ पर हम क्या एक्स और वाई सपोज कर लेते हैं। तो इसको यदि सपोज किया जाए तो इसी एक्स वन और इसको आपका एक्स वन है, इसको वाई वन, तो इसको हमें एक्स टू सपोज कर रहे हैं, इसको वाई टू, यही हमारा अनोन है, इसी को फाइंड आउट करना और एफ पे दे रखा है। तो डेट मीन्स इसका ये क्या हो जाएगा आपका, यही आपका मिड पॉइंट के लिए एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई। ठीक, तो अब ऐसे कंडीशन में आप सीधे फॉर्मूला जानते हैं, वी नो ठीक है, तब जानते हैं एक्स इक्वल टू मिड पॉइंट के लिए एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, और सेकेंड वाला आप जानते हैं वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू फुट की थी, व्हाट इज द एक्स, एक्स इज द एन आपका 4, यहाँ पर अपने 4 रखा ठीक है, फिर एक्स वन की वैल्यू हमारा क्या 4 हो गया, फिर आपका एक्स टू की वैल्यू हमारा नोन है, ये एक्स टू वैल्यू थी बाई टू लिखे, इसका क्लास मल्टीप्लाई कर दीजिए मेथड वाइज, तो ये हो गया आई एम 4+2 ठीक है। आप इसको इधर ले लीजिए, फिर 8 में से आप 4 को माइनस कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा ये एक्स टू है ना, ये एक्स टू की वैल्यू कितना आ जाएगा 4, दैट मीन्स सेकेंड कोऑर्डिनेट जो होगा इसका एक्स वाला वो हमारा 4 हो गया। इसी क्रम में व्हाट इज द वाई, वाई को भी हमारा यहाँ पे क्या तो 4 है, तो वाई को भी 4 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर y1 कितना यहाँ हमारा y1 इज द 0 ठीक है, अब y2 क्या है, y2 है निकालना फाइंड आउट करना, तो यहाँ पर अब लिख देंगे हम क्या y2 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 क्या आपका y2 हो गया। डेट मीन्स इसका जो सेकेंड जो है हमारा निकलेगा वो कितना है यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पर आपका 8 हो गया। गुड, अब देखिए इतना क्वेश्चन निकल गया, अब दिमाग लगाइए, यदि मैं इस क्वेश्चन घुमा देता आपको, आप पढ़ भी चुके हैं कि ऐसे कहा दिया था एक सर्किल है, सर्किल का जो है दोनों इंड का यहाँ का और यहाँ की वैल्यूएशन दे दे यहाँ पर आपका ये चीज़ें ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर दे दे, दो क्वाड्रेंट दे दिया, तो दो क्वाड्रेंट दे देगा तो उनके बीच डिस्टेंस पूछा जाएगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला सिंपल सा लगा लेंगे ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिएगा कि एक्स वन माइनस एक्स टू का आपका होल स्क्वायर और प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। यदि ये डिस्टेंस पूछता है तो बिटवीन ऑफ द टू कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेटों के बीच की दूरी पूछता है, तब हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को यहाँ पे सेंटर पे दे दिया है, इसको क्वेश्चन पूछ रहा है ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, ये अदर टाइप का क्वेश्चन है, इसे आप इस तरह से शो कर सकते हैं अदर टाइप क्वेश्चन ठीक है, बिटवीन द डिस्टेंस के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा, यही आपको दिमाग में लगाना है कि यहाँ पे जो सेंटर दे रखा है, सेंटर 4-4 दिया है, उनमें से एक जो है इंड की वैल्यूएशन 4-0 दे रखा है, दूसरा पूछ रहा है, तो आपने ऐसे सर्किल बनाया, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले के यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन रखा जो आपका यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी आपको 4 रखा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इन आपके दोनों की वैल्यू ट्रांसफर करके जो मैथ रूल है उसको फॉलो करके यहाँ पे ये और ये हमारा दोनों यही आंसर हो जाता है ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, कराते रहिए।
ठीक है, समझ आने पर भी कमेंट कीजिए, ना समझ आने पर भी कमेंट कीजिए। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।